पुराने जमाने में मिस्र देश के देश में एक नदी थी जो अभी भी है, नील नदी। और नील नदी में जब बाढ़ आती थी तो बहुत से किसान अपनी अपनी नावों में बीज भर के उस बाढ़ वाली नदी में निकल पड़ते थे। आपको मालूम है हमारे यहां भी नदियों में बहुत बाढ़ आती है, और जब बाढ़ आती है तो नदी अपने मुख्य धारा को छोड़ करके और किनारे पर फैल जाती है, और कई बार मीलों तक फैल जाती है, खेतों में चली जाती है, फसल वाले खेतों में, कृषि वाले खेतों में चली जाती है। और ये किसान अपनी अपनी नाव में बीज भर के और निकल पड़ते थे उस उफनती हुई उस बाढ़ वाली नील नदी में, और वहां जाकर के वो किनारों पर, मेन धारा पर नहीं, मुख्य धारा पर नहीं, लेकिन किनारों पर उस नाव में जो बीज था वो नदी के पानी पर डाल दिया करते थे। और होता क्या था कि वो, चूंकि बाढ़ का पानी जो है वो बहता तो है नहीं इस तरीके से, मेन कोर्सी मुख्य धारा ही बहती है, बाकी पानी तो स्थिर रहता है, और वो जो बीज था वो वहीं पर नीचे दब जाता था, नीचे बैठ जाता था। और एक महीने डेढ़ महीने के बाद जब नदी का पानी उतरता था या बाढ़ खत्म होती थी या बाढ़ का पानी सूखता था, तो ये बीज नदी के द्वारा लाई गई, आपको मालूम है बाढ़ में बहुत अच्छी मिट्टी बह करके आती है और वो सब किनारों पर चली जाती है, और उस मिट्टी के साथ ये बीज जमीन में पड़ जाता था। नमी ऑलरेडी है ये, क्योंकि उतने दिन तक पानी रहा है, बीज वहां मौजूद है, और बढ़िया मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। और होता क्या था, बढ़िया फसल होती थी और ये किसान जाते थे और उसको फसल काटते थे। हो सकता है उस जमाने में कॉर्पोरेट या एक साथ मिल करके खेती हुआ करती थी, तो मेरा है तेरा है, कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं, तो जहां तक बो दिया एक साथ काटा जाता होगा और एक साथ बटाई होती होगी उसकी। जैसा भी था, कहने का मेरा मतलब यह था कि ये जल के ऊपर अपने बीज को डाल देते थे, और जब पानी रिसीड हो जाता था, पानी घट जाता था, तो फसल तैयार होती थी और फिर फसल का ये लोग फायदा उठाते थे। और मुझे लगता है कि सुलेमान बादशाह ने कहीं ना कहीं इस चीज को देखा होगा, ये जो किसानों का ये जो क्रियाकलाप था, क्योंकि बाढ़ हर साल वहां आती थी और हर साल वो बीज बोते थे, कहीं ना कहीं सुलेमान बादशाह को ये, या तो उसने देखा होगा या उसे मालूम होगा कि ऐसा होता है। और इसलिए सभोपदेशक की पुस्तक, मैंने कहा सभोपदेशक की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, 11th चैप्टर ऑफ इक्लिजियास्टिक, सभोपदेशक 11वां अध्याय और पहली आयत, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, ये जो क्रियाकलाप किसानों का था वो अब सिर्फ एक क्रियाकलाप ना होकर के एक ऐसा मुहावरा बन गया, एक फ्रेज बन गया, जिसका इस्तेमाल आदमी को एनकरेज करने के लिए, आदमी को बुद्धिमान बनाने के लिए, उत्साहित करने के लिए। मित्रों, हम दुनिया में, आपको मालूम है, धोखा देने वाले लोग, दुनिया में आपको निराश करने वाले लोग, दुनिया में आपको दुखी करने वाले लोगों की कमी नहीं है। एक ढूंढिए, कहते ना, हजार मिलेंगे। और कई बार दुनियावी कामों में तो हम खिन्न हो ही जाते हैं, अपनी नौकरियों से, अपने बिजनेस से, अपने परिवार में, और कई बार वो चीज, चूंकि हम शरीर में है, हम दुनिया में है, वो चीज हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जो जीवन है उसके अंदर भी वो चीजें आ जाती है। हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम एक बात ये सोचने लगते हैं कि इतना फायदा क्या है ये सब करने का, हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं और हम जो गीत गा रहे हैं और हम जो बाइबल पढ़ रहे हैं और हम जो दशवां दे रहे हैं, बहुत सारी बातें जो आपके आत्मिक जीवन से संबंधित है उसमें निराशा, और शैतान चाहता है कि आप, क्योंकि देखिए निराशा जो है, जब आप निराश होंगे तो आपका विश्वास कमजोर होगा, और जब विश्वास कमजोर होगा तो आशीषें दुर्बल हो जाएंगी, आपकी आशीषों में कमी आ जाएगी। और आज मैं इसी पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं, और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, और इस ज्ञान से, इस मुहावरे से कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे और बहुत दिन के बाद तू उसे पाएगा। जैसा मैंने कहा कि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि ये करने से
गाना गाने से और दुआ करने से और बाइबल पढ़ने से और क्या फायदा है? और आप ये कह रहे हैं, मैं भी कई बार ये सोचता हूं कि इतने हर संडे हम प्रीच करते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग नहीं आते हैं, कुर्सियां खाली रहती हैं, मैं जब वहां रहता हूं तब भी लोग गायब रहते हैं, इतना अच्छा वचन दिया जाता है, इतना अच्छा गाना गाया जाता है, इतनी अच्छी म्यूजिक है, लोग लगे हुए हैं, मेहनत करते हैं, हर तरीके से हमने इंतजाम करके रखा है, किसी चीज की कोई लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग बिल्कुल अरे गए गए नहीं गए नहीं गए, जैसे बहुत बड़ा एहसान। और कई बार एक निराशा होती कि यार इतना प्रिपेयर करने की जरूरत क्या है, इतना मैसेज देने की जरूरत क्या है, हर संडे खड़े होकर के आपको मालूम है मैसेज देना इतना आसान नहीं है, आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको तैयार करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस मुहावरे से, परमेश्वर के इस कलाम से, कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, पानी पर डाल दे, और बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। और मैं एक दो उदाहरण बाइबल से लेना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल ही हमारा तराजू है, बाइबल ही हमारा जीवन है, बाइबल ही मेरी जिंदगी का हर पहलू है। बाइबल ने जब कहा है तो वो सत्य है, और बाइबल ने जो कहा है वो हमारी जिंदगी की हकीकत है, क्योंकि खुदा का कलाम सिर्फ खुदा का कलाम नहीं, खुदा स्वयं है, और जितना कलाम आप में होगा उतना ही खुदा आप में होगा। मेरे साथ आप हैं तो प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा, हालेलुया। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, आप ये बताइए कि ये कोई बात हुई कि आप अपनी रोटी जल के ऊपर है? भाई रोटी आप ले जाकर के कैसरोल में रखिए, रोटी का डिब्बा आता है रोटी उसमें रखिए, रोटी गरीबों को खिला दीजिए, रोटी को आप किसी भूखे को दे दीजिए, ये सब मुहावरे ये सब बातें समझ में आती हैं, मगर याद रखिएगा कि खुदावंद का कलाम हमें एक नए तरीके से सोचने के लिए उत्साहित करता है। दुनिया तो रेगुलर बात करती, दुनिया एक सामान्य बात करती, अपनी रोटी गरीबों को दे दो पानी में, आप बोलिए रोटी आप पानी में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, उसको अंग्रेजी में बोलते सौगी हो जाएगी, गीली हो जाएगी, वो रोटी कौन खाएगा। मगर ये सिर्फ रोटी की चर्चा नहीं है, ये जो चपाती हम लोग खाते हैं सिर्फ इसकी चर्चा नहीं है, रोटी का अर्थ होता है वो चीज जो आपको बहुत प्रिय है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो सारी चीजें रोटी के अंतर्गत आते। बोले भाई रोटी रोजी कमाने जा रहे हैं, ये रोटी रोजी का सवाल है, ये तो रोटी का सवाल है, तो रोटी का मतलब सिर्फ चपाती नहीं, लेकिन वो चीजें जो हमको सस्टेन करती है, जो हमको जीवित रखती है। और इसलिए सुलेमान बादशाह ने बेवकूफी में तो कुछ नहीं लिखा, दुनिया का सबसे बुद्धिमान आज तक ना कभी हुआ, ना है और ना होगा, हमारे खुदावंद को छोड़ करके इंसानों में इससे बड़ा बुद्धिमान और कोई था ही नहीं। और इसने जो लिखा तो एक तो आधी से ज्यादा बातें तो अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से लिखा। और जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो किसान वास्तव में अपने बीज पानी के ऊपर डालते थे और उसके बाद लहलहाती हुई फसल काटते थे। और बाइबल में बहुत से लोगों ने अपने बीज को, अपनी रोटी को पानी पर डाला है, और मैं आज आपको उसका परिणाम ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने उसको वापस भी पाया है। और पढ़वाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद होगा सारपत की वो विधवा, जब उसके पास एलिया गया और एलिया ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, और उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं कि फिर मर जाए। इसने तो यहां तक कह दिया कि हमारे पास रोटी भी नहीं है। पहला राजा और उसका 17वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत आप बाद में पढ़िएगा, आप मेरी ओर ध्यान दीजिए इधर। थैंक यू जीसस। रोटी भी नहीं थी, सभोपदेशक का लिखने वाला तो कहता है कि अपनी रोटी जल पर डाल दे, इसके बाद तो रोटी भी नहीं थी, बोले एक भी रोटी नहीं है, हां थोड़ा सा आटा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। अब पता नहीं उससे रोटी बनेगी कि क्या बनेगी। ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो। कहीं से इस विधवा को, इस स्त्री को यह ज्ञान था कि अपनी रोटी जल पर डाल दे,
वो एलिया को पता नहीं जानती थी कि नहीं जानती थी, पहचानती थी कि नहीं पहचानती थी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पहले उससे अक्वेंटेंस थी, उसको जानती थी वो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तो हो सकता है परमेश्वर ने कहीं ना कहीं से इसको कोई चिन्ह दिया होगा कि ये स्त्री जो है, ये पुरुष जो है वो परमेश्वर का जन है। जो भी था, आज उसके पास और कुछ नहीं। उसने कहा कि मेरा प्लान तो ये है, मेरी योजना ये है कि जो थोड़ा सा आटा और कुप्पी में का जो थोड़ा तेल है, इन दो लकड़ियों पर मैं पकाऊंगी, वो रोटी बनेगी कि हलवा बनेगा कि क्या बनेगा मैं नहीं जानती हूं, जो भी होगा दैट इज द लास्ट आई हैव। हमारे पास वो आखिरी है, हमारे पास ये आखिरी रुपया है, हमारे पास ये आखिरी मौका है, हमारे पास ये, कई बार हम ऐसे आखिरी पर आ जाते हैं, हमारे पास जहां कोई ऑप्शन नहीं होता है, हमारे पास किसी चीज का चुनाव नहीं होता है, हमारे पास किसी चीज की बढ़ोतरी नहीं होती है, हमारे पास बिल्कुल अंतिम हो जाता है, हमारे पास ये या वो नहीं होता है, क्या करेंगे आप ऐसे समय में? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपका खुदा मर करके जी उठा है मित्रों, आपका खुदा किसी बुत में नहीं है, आपका खुदा किसी पेड़ और पौधे में नहीं है, आपका खुदा आसमान और जमीन का खालिक और मालिक आज भी वो आसमान पर बैठा हुआ आपको देख रहा है, वो हमारे बीच में है और हमारे हृदयों में। उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? थैंक यू जीसस। आज जरूरत ऐसी है कि कोई इतना विश्वास रखे, इतना धीरज रखे कि अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल दे। और एलिया ने उससे कहा कि जा पहले मेरे लिए एक रोटी बना करके लेके आ, जा अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। अरे मैं जानती नहीं हूं, देखिए आज तो हमको मालूम है ना कि उसके बाद उसको कैसी आशीष मिली, मगर उस वक्त उसके पहले उसने कहीं पढ़ा नहीं था, कक्षा दो में, कक्षा तीन में, कक्षा पांच में कोई कहानी नहीं पढ़ी थी, कहीं उसने प्रीचिंग नहीं सुनी थी कि एक स्त्री थी, एक विधवा थी, उसके पास थोड़ा मैदा था, थोड़ा तेल था और उसने रोटी बना करके परमेश्वर को, सेवक को दे दिया और उसका तेल नहीं घटा, उसका आटा नहीं घटा। उसने कहीं नहीं पढ़ा, उसके पहले कहीं नहीं हुआ था। शी वॉज द फर्स्ट वन। उसने पहले कभी नहीं माना था, कहीं नहीं जाना था, मगर कहीं ना कहीं से उसको एक हकीकत पता थी, कोई बात नहीं अपनी रोटी जल के ऊपर डाल देते हैं। आज यही ना होगा, नुकसान हमारा हो जाएगा। मरना तो है ही है, चाहे ऐसे मरे या वैसे मरे। मित्रों कौन सा कहे कि आप दशमांश नहीं देंगे तो आपका घर भंडार से भर जाएगा? बहुत से लोग सोचते हैं अरे तनख्वाह मिलती 3,000, अरे तनख्वाह मिलती 10,000, अरे तनख्वाह मिलती 20,000, उसमें से इतना दे देंगे, 10 दशमांश दे देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप मेरी बात ये बताइए, आप उसको बचा करके कौन सा आप गोरखपुर खरीद लेंगे, कौन सा आप इंडिया खरीद लेंगे, कौन सा आप संसार खरीद लेंगे? वो 10% से आपका कुछ होने वाला नहीं है। एक काम कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास करके लिखा परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि आप परख करके देखिए, वो दसवां अंश जो आपका है वो खुदा के भवन में ला करके डाल करके देखिए, आपके कुप्पी का तेल और आपके घड़े का आटा, मैदा कभी कम नहीं होगा। और यही नहीं, अगर आपके घर में कोई हादसा हो जाए तो खुदा की रूह आपके घर में आकर के और आपके घर को खुशियों से भर देगी। थैंक यू जीसस। आप उसके लिए करके तो देखिए, अपनी रोटी जल के ऊपर तो डाल के देखिए। इसके लिए, इस स्त्री के लिए वो रोटी जल के ऊपर ही डालनी जैसी थी। उसने कहा पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। आखिर उस रोटी को खा करके भी तो हम मर रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप, हम कह रहे हैं कि अगर रोटी खा के जिंदा रहते तो रखो भैया अपनी रोटी। आप अगर दशमांश रख करके करोड़पति हो जाए, लखपति हो जाए तो रखिए अपना दशमांश, खबरदार जो आप लेकर के आए उसको, और खबरदार जो आपने उसको कभी देने की सोचे, रखिए उसको अपने पास दबा के रखिए। खुदा करे कि आप उस दशमांश से आप करोड़पति हो जाए, लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उस दशमांश से आपका 90% और नुकसान हो जाएगा। इसलिए भैया इससे बेहतर है कि हमारा 90% नुकसान हो, 10% परमेश्वर के भवन में ला करके दे दिया जाए। कम से कम 90% तो बचेगा हमारा, यहां तो 10 बचाने के चक्कर में 90 आप लूट गए। इससे बेहतर तो यह है कि 10 हम अगर नुकसान भी हो जाए, कम से कम 90 तो बच जाए। मैथमेटिक्स तो कीजिए, जोड़ घटाना तो कीजिए, 90 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है?
आप मेरी बात समझ रहे हैं मित्रों? थैंक यू जीसस। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। अरे क्या फायदा, हर सैटरडे आते हैं और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और वो करते हैं, तो ये नहीं आते हैं तो वो नहीं आते हैं, किसी को लाउड लगता है, किसी को स्लो लगता है, किसी को ये लगता है, किसी। मित्रों मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपनी रोटी आप जल के ऊपर डाल करके देखिए। आप जा करके सारपत की विधवा से पूछिएगा, बहन जी आपके पास थोड़ा सा मैदा था, थोड़ा सा तेल था, क्यों नहीं आपने अपने लिए रख दिया? आपके पास पूरा अधिकार था उस रोटी को खाने का, वो आपका मैदा था, वो आपका तेल था, उस पर एलिया ने उसको खरीदा भी नहीं था, आप बेच नहीं रही थी, आप कह सकती थी कि क्या बात कर रहे हैं, अपना टाइम हम चर्च में दे दें, अपना टाइम हम प्रैक्टिस में दे दें, अपना टाइम हम। आप जाकर के उससे पूछिएगा, उसने कहा कि अरे धन्य हो, कहां से मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने वो रोटी परमेश्वर के भक्त को दे दी, और आज देखिए मुझे बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे किसी से मांगने की जरूरत कोई है मेरे साथ, प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक और व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं, योनातान नाम था उसका, उसके पापा का नाम शाऊल था, और शाऊल का एक महादुश्मन था दाऊद। लोग गाना गाते थे कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। बताइए, जबकि शाऊल राजा था, उल्टा होना चाहिए था, शाऊल ने लाखों को मारा, दाऊद ने तो जो मारा सो मारा, उसका क्या अभिशाप, वो तो राजा भी नहीं था उस वक्त। लेकिन शाऊल का बेटा योनातान दाऊद से अति प्रीत करता था, लिखा हुआ अति प्रीत करता था, इतना प्यार करता था अपने दुश्मन को, इतना वो प्यार करता, पापा के दुश्मन को, उसका तो वो दुश्मन नहीं था, उसका तो वो दोस्त जैसा था, भाई जैसा था। और योनातान भी सोचता होगा, यार इसको इतना मानने के, इसको कई बार पापा से बचाया हमने, क्या फायदा, ये तो जंगल में रहता है, ये तो भेड़ बकरी के साथ रहता, मैं तो योनातान हूं, मैं तो राजकुमार हूं, कहां मेरी दोस्ती। लोग उसको समझाते होंगे, कहां तुम्हारी दोस्ती, कहां पीस चढ़ जाते आप, वहां के तो ये सिखाते, वहां तो ये सिखाया जाता, वहां तो। और कई बार आप भी सोचते होंगे, कहां पीस चर्च से जुड़ गए, अरे किसी बड़े चर्च में जाओ, वहां की ये संस्था है, वहां की वो संस्था है, वहां से ये जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे, बहुत सारी बातें, लोग आपके रिश्ते खानदान दोस्त यार आपको इन्फ्लुएंस करते होंगे। लेकिन और योनातान को भी लोग कहते होंगे, तुम दाऊद के चक्कर में क्यों पड़े हो, दाऊद तो किसी काम लायक नहीं है, दाऊद तो भेड़ बकरी का चरवाहा है, दाऊद तो जंगल पढ़ा लिखा भी नहीं है, तुम तो राजकुमार हो और तुम उसके इतनी प्रीत लगाए हुए हो। मित्रों अपनी रोटी, मैं अपने विषय से नहीं भटक रहा हूं, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दो। हो सकता है योनातान को कई बार यह सोचना पड़ता होगा, हाँ यार बात सही है, कहां हम इसके चक्कर में पड़े हुए हैं, इसकी वजह से हमारे कई दूसरे लोगों से दोस्ती छूट गई इसकी। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं मित्रों, थैंक यू जीसस। एक युग का अंत हुआ, शाऊल मारा गया, योनातान खत्म हो गया, और उसके बाद दाऊद राजा हो गया। मगर मित्रों सुलेमान ने ऐसे ही नहीं कहा है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, अपना वक्त प्रभु के, परमेश्वर के भवन में दे दे। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। और दाऊद राजा बन गया, और जिस दिन उसने अपना सारा कारोबार संभाल लिया और राजा बन गया, उसने अपने नौकर सीबा को बुलाया और कहा, सीबा शाऊल के घराने का, देखिए अपने दुश्मन की ही बात कर रहा, शाऊल के घराने का क्या कोई बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीत दिखाऊं। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। देखिए योनातान की वो दोस्ती, योनातान की वो रोटी जो उसने पानी के ऊपर एक तरीके से डाली थी, दाऊद से दोस्ती एक तरीके से पानी पर रोटी डालना था, कुछ नहीं मिलना था उस वक्त, तो कुछ नहीं मिला था, और योनातान को भी क्या मालूम था कि वो एक दिन राजा हो जाएगा। मगर आज उसने कहा, मैं योनातान के कारण, उस दोस्ती की वजह से, वो जो रोटी उसने इस जल के ऊपर डाली, मैं किसी को प्रीत दिखाना चाहता हूं, मेरा मन उमंड रहा, आई वॉन्ट टू डू इट। ये एक राजा का डिसीजन था, एक ऐसे शख्स का डिसीजन था जिसको कोई बदल नहीं सकता था। और सीबा ने कहा कि उसका एक लंगड़ा बेटा है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, लंगड़ा है, लोदे बार में रह। बोला कोई बात नहीं,
बात इसकी नहीं है कि वो लंगड़ा है, बात इसकी नहीं है कि वो लोदेबार में है, बात इसकी है कि योनातान ने हमसे प्रीत दिखाई थी, बात इसकी है कि योनातान ने अपनी रोटी इस दाऊद नाम के जल पर डाली थी, और आज ये वक्त है कि ये रोटी वापस उसको दी जाए। और आप पढ़िएगा मित्रों वो कहानी, कितनी सुंदर कहानी, जब योनातान, जब मपीबोशेत आया और उसके चरणों पर गिर गया, मैं कुत्ता हूं, बोल सोचा मैं ये दाऊद हमें मार डालेगा क्योंकि इसकी, बोला क्यों घबरा रहो, अरे तेरे पापा ने तो रोटी जमा की है, रोटी फेंकी इस जल पर। आज मैं अपने चर्च के लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, अपने परिवार के लिए कर दीजिए, जिस दिन आप नहीं रहेंगे आपके बच्चों को रोटी की कमी नहीं होगी मित्रों, आपके बच्चों को इज्जत की कमी नहीं होगी। लोग बोलेंगे चूंकि आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने भलाई दिखाई थी, मेरे ऊपर इतना करुणा किया था, मेरे ऊपर रहम किया था, जब मुझे जरूरत थी तो तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी ने मेरी मदद की थी, तुमको हम कैसे भूल जाएंगे, तुमको जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारी, आप मेरी बात समझ रहे हैं मित्रों। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं योनातान के कारण प्रीत दिखाना चाहता हूं। जटामासी का एक पात्र लेकर के आई थी, रोटी थी उसकी, बेच करके कहा चेलों ने, बेच करके गरीबों को दिया जा सकता था, इतना पैसा मिलता कि अपने तो वो खाती, गरीबों को भी दिया जा सकता था। और उसने जटामासी के पात्र को खोला नहीं तोड़ दिया, उसने बोला आज ये रोटी पानी ही के समान, पानी पर डाली जाएगी। और मित्रों एक बात बताओ, हकीकत में तो उसने ऐसे पानी पर डाला था जो साधारण पानी नहीं, जीवन का जल था, यीशु मसीह जीवन का सोता, जीवन का जल। और जल जो है वो परमेश्वर का कलाम है। अब आप समझ में आ रहा, आपको अब आप समझ रहे हैं मैं कहां से लेके आ रहा हूं। अपनी रोटी पानी पर, यानी वचन के लिए, वचन के आधार पर, केवल वचन के लिए, वचन के आधार पर परमेश्वर, जैसे बाइबल कहती है भलाई करना ना भूलना, पौनाई करना ना भूलना। कई लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा की है, स्वर्गदूतों की पौनाई कर दी है। हम मित्रों स्वर्गदूतों को आपने पानी पिलाया और भोजन कराया और उनको अपने घर में उतारा। स्वर्गदूत हमेशा पंख वाले नहीं होते और सफेद सफेद नहीं होते, कई बार इंसान के रूप में भी परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। आपने पता नहीं किसको कब खाना खिलाया, और यीशु मसीह जब अपने बादशाहत में आएगा बोलेगा मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन कराया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए, प्रभु जी मैंने कब किया, तुमने जो इन छोटे में से छोटों से किया, अरे ये, लेकिन प्रभु जी मैंने, कोई बात नहीं, मेरा वचन कहता है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल और बहुत दिन के बाद तू उसे पाने पाएगा। खुशी की बात यह है कि परमेश्वर का कलाम ना सिर्फ हमें कुछ करने की आज्ञा देता है लेकिन उसका परिणाम भी बताता है। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल, बहुत दिन के बाद तू उसे पाएगा। उल्टा करिए, अपनी रोटी जल के ऊपर मत डाल तो तू उसे कभी नहीं पाएगा, ना तू पाएगा ना तेरा खानदान पाएगा। मित्रों मैंने जितने उदाहरण आपको दिए इन सबकी रोटी वापस आई। जो सारपत की विधवा थी, छोड़ दीजिए उसका जो मैदा और उसका जो तेल था वो तो कभी घटा नहीं, एक दिन उसका बेटा मर गया, मेरी बात सुनिए, इतना हाहाकार मच गया, मैदा और तेल तो हम लोग उसी के चक्कर पड़े रहते, यहां एक इतनी बड़ी मुसीबत जो कोई सॉल्व नहीं कर सकता था। बड़ा से बड़ा डॉक्टर और बहुत सी दवाइयां और बहुत से इलाज के नुस्खे भी फेल थे वहां, क्योंकि ही वॉज डेड, मर गया था मित्रों वो, मगर रोटी तो पानी पर डाली गई थी, वो तो वापस मिलनी थी क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि बहुत दिन के बाद तू उसे पाएगा। तो कलाम तो वो आशीष तो मिलनी है ना, मेरी रोटी तो छिन गई, मेरा बेटा तो चला गया, मैं तो विधवा हूं, मैं तो बूढ़ी हूं, मैं तो कमजोर हूं, मेरी रोटी तो चली गई। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं जाएगी तुम्हारी रोटी, तुम खुदा पर यकीन करती हो, तुमने खुदा के कलाम पर अपनी रोटी डाला है, तुमने परमेश्वर के भक्त को खाना खिलाया है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तुम्हारी रोटी जाया नहीं जाएगी, तुम्हारा एफर्ट बेकार नहीं जाएगा, तुमने जो किया है, तुमने अपनी रोटी छीन करके, उस बच्चे की रोटी छीन करके, उस हो सकता वो भूखा होगा, वो रोता होगा, उसको छीन करके तुमने
खुदा के बंदे को दिया है, आज वो रोटी वापस आएगी। और पढ़िएगा आप, रोटी वापस आई, जिंदगी के रूप में रोटी वापस आई। थैंक यू जीसस। वही एलिया, आप सोच रहे होंगे अरे भूखे मर रहा था, भूखे मर नहीं रहा था, वो परमेश्वर का इंतजाम था, परमेश्वर की एक योजना थी। आज वही जो मर रहा था दूसरों की जिंदगी दे रहा है। आज काश कि हमारे चर्च के एक एक लोग दूसरों को जिंदगी देने वाले हो जाएं, बजाय मरने के, बजाय खुद तकलीफ करने के, दूसरों की तकलीफ हरने वाले हो जाएं, दूसरों को उत्साहित करने वाले हो जाएं, दूसरों के विजय, दूसरे को हेल्प करें विजय हासिल करने में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। योनातान की रोटी वापस। योनातान तो चला गया था मित्रों, उसका लंगड़ा बेटा लोदेबार में रहता था, किसी मतलब वो ऐसी हालत में था, एक तो लंगड़ा था लोदेबार में, वहां पर लोदेबार का मतलब जहां कोई मरुस्थल में रहता था, हर तरीके से वो रोता होगा, पापा होते पापा होते पापा होते तो ये होता, मैं तो राजकुमार का, मैं तो राजा का बेटा नाती था, और मैं तो राजकुमार का बेटा था मैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा ने इतना बड़ा धन इकट्ठा किया है, इतनी बड़ी रोटी डाली है कि जब वापस वो रोटी आएगी तो तुम्हारे पास समाने की जगह नहीं होगी। दाऊद ने कहा कि मपीबोशेत, तुम ना सिर्फ हमारे यहां रहोगे, तुम मेरी टेबल पर खाओगे, बादशाहों के समान रहोगे तुम, तुमको कुछ नहीं करना है, मैं सारी जमीन तुमको लौटाता हूं, जितना तुम्हारे पापा का था सब कुछ तुमको। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आप मामूली समझ रहे हैं मित्रों परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को, अपनी रोटी। आज प्रॉब्लम यह है, हमने अपनी अपनी रोटी दबा के रखी है, 10 अंश देने में हमारी जान निकल जाती है, हम 4 बार सोचते हैं, हम लिफाफा लेने में हमको मुश्किल होती है। अरे काश कि आज एक एक हाथ में ये लिफाफे हो जाए और कहे खुदावंद ये 10 अंश आपका है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये रोटी पानी पर तो जा रही है, ये जाया नहीं जाएगी, ये बेकार नहीं जाएगी, एक दिन वापस आएगी ये। और जो वो उस जटामासी के पात्र से नहीं कर पाई, जो अपने घर में रखी थी, लोगों को दिखाती होगी मगर उसके बाद भी वो पापनी थी, आज पर यीशु मसीह के कदमों पर उसने डाल दिया, पानी पर उसने डाल दिया, जल के सोते पर, जीवन के जल के सोते पर डाल दिया, और एक ऐसी आशीष लेकर के चली गई जो और दुनिया का कोई शख्स नहीं दे सकता था। वो पापनी होकर के आई थी, विश्वासनी होकर के वापस चली गई। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मित्रों परमेश्वर का कलाम बड़ी सफाई के साथ कहता है, सुनिएगा, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। थैंक यू जीसस। बिना बोए आप कैसे काटेंगे मित्रों? कटनी सब करना चाहते, ब्लेसिंग सब चाहते, सबको ये मिल जाए, सबको वो मिल जाए। मित्रों आप मेरी बात सुनिए, लॉटरी भी तभी खुलती है जब आप लॉटरी का टिकट लेते हैं बिना टिकट लिए हुए जब तक टिकट आपके पोजेशन में, ठीक है भैया आपका मेरा लॉटरी काश की खुल जाता मैं रातों रात अमीर हो जाता, अरे उसके लिए भी लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा, वो लॉटरी का टिकट आपके हाथ में होना पड़ेगा, वो उस पर आपका अधिकार होना पड़ेगा। मित्रों बिना बोए आप कटनी की बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें उत्साहित करता है कि अगर आपने बोया है तो ठीक समय पर कटनी करेंगे। और क्या कटनी? भले काम करने में या ना छोड़े। और सबसे भला काम यह कि खुदा के कलाम की सेवा की जाए। जब आप मित्रों मेरी बात सुनिए, खुदा का कलाम यहीं से सब भलाइयां निकलती हैं। जब आप इस पर कायम रहेंगे, जब आप चर्च से जुड़े रहेंगे, जब चर्च के प्रति आपका लगाव होगा, आपकी रोटी पानी पर जाएगी और बहुत दिन के बाद आपको वापस आएगी। आज बहुत से लोग ये सोचते हैं चर्च आने से, चर्च ये करने से, वो करने से क्या फायदा। आप सोचते रहिए, दुनिया के हिसाब से आपकी रोटी गीली हो गई, बेकार हो गई, तो फिर दुनिया ही के साथ चलिए आप, और मुझको बताइएगा कि कितनी आशीष आपको मिली। लेकिन आज मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से ये कहना चाहता हूं कि जिसने अपनी रोटी पानी पर डाली उसने कभी उसको खोया नहीं। नथिंग इज वेस्टेड। मैं कई बार निराश होता हूं और कई बार मैं भी सोचता हूं इतना खुदा का कलाम पीच करने से और करने से क्या फायदा, पता नहीं किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, किसको क्या हो रहा है। लेकिन फिर मुझे याद आता है परमेश्वर का कलाम, जहां पर परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे शब्द मेरे वचन मुझ तक खाली नहीं आएंगे,
वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लेकर के आएंगे। मैं तो बोने वाला हूं, मैं बोऊंगा, 1/3 मेजॉरिटी बेकार हो जाए वो उनकी जिम्मेदारी है, मुझको तो मेरा इनाम मिलेगा, मैं तो पाऊंगा, मैं तो उसका उसकी कटनी काटूंगा, मुझे तो कहा जाएगा हे विश्वास योग्य और धन्य दास। मित्रों, मैं नहीं जानता हूं कि किस निराशा से आप जा रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं कि आपके मन में क्या सोच है, मैं नहीं जानता हूं कि किसने आपसे क्या कह दिया और कब क्या नहीं कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ आपको उत्साहित करना चाहता हूं खुदा के कलाम से कि अगर आपने अपनी रोटी पानी पर डाली, पानी पर डालने का मतलब वचन पर डाली, अगर आपने वचन की सेवा की ये सोच करके किया, भैया कोई देखे या ना देखे, हम तो प्रभु के लिए कर रहे हैं, हम तो वचन के लिए कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठ करके अगर झाड़ू लगाना हो परमेश्वर के भवन में, अगर शनिचर को और शुक्रवार को कोई आए या ना आए, मैं अकेले आके प्रैक्टिस करूंगा, मैं आकर के दुआ करूंगा, एक भी चीज आपकी खाली नहीं जाएगी। आपकी एक रोटी, मित्रों, सारपत के विधवा की एक रोटी ने उसके बेटे को ऐसी जिंदगी दी, ऐसी जिंदगी दी, थैंक यू जीसस, जो दुनिया का और कोई शख्स कोई रोटी नहीं देते, केवल उसने एक बार एक रोटी उसने दी। मैं नहीं जानता हूं कि आपका कौन सा कार्य, आपका कौन सा एक्शन जो आपने चर्च के प्रति किया, वचन के प्रति किया, प्रभु के प्रति किया, आपको हमेशा की जिंदगी में ले जाए। थैंक यू जीसस। अपने आप को निराश मत होने दीजिएगा, अपने आप को हतोत्साहित मत होने दीजिएगा। ये दुनिया तो है ही हतोत्साहित करने वाली, लेकिन क्या आप खुश नहीं है कि आपके पास एक प्रभु है, आपके पास जिसने कहा है बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा प्रभु हमारी थकावट को दूर करता है, हमारे बोझ को, हमारी निराशा को दूर करता है। प्रभु में उत्साहित होइए, अपनी रोटी को जल पर डालने में बिल्कुल हिचकिचाइए मत, दशमांश देने में बिल्कुल हिचक मत कीजिए, प्रभु जी ये आपका है, उसको लेकर के हम करी क्या लेंगे, कौन सा हम बहुत बड़ा तीर और तोप चला लेंगे, प्रभु जी ये 10% आपका है। और मेरा यह दावा है खुदा के कलाम को हाजिर और नाजिर जान करके कि आपका वो 10% बेकार नहीं जाएगा। पानी पर डाली हुई, वचन के लिए किया गया कोई भी काम, चर्च के लिए किया गया कोई भी काम खाली नहीं जाएगा। बहुत सारी बरकतें, 100 गुना बरकतें आपके और आपके परिवार पर लेके आएगा। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह।